साथियों नमस्कार, स्वागत है फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल एस आर्य। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पैरासीटामोल यानी कि बुखार की बेहतरीन दवा, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोसेज के बारे में। तो पैरासीटामोल किस किस कॉम्बिनेशन में आता है, टैबलेट, ड्रॉप, सिरप, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी जो ये वीडियो होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी वीडियो होती हैं, जिसके हम अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आज पैरासीटामोल के बारे में। तो आज पैरासीटामोल की यूजेज, डोज, मार्केट में किस नाम से अवेलेबल होती है, इसका जेनरिक नाम क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ओवरडोज क्या है, अर्जेंट में ज़रूरत पड़ने पर किस तरह खानी है। तो देखिए, जो पैरासीटामोल है, दवा का जेनरिक नाम है। ये मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड से उपलब्ध होती है। इसके जो कुछ फेमस ब्रांड हैं वो डोलो, कालपोल, क्रोसिन, पेरीमोल और भी अन्य ब्रांड हैं अलग अलग नाम से, पर इसके जो फेमस हैं वो कालपोल, डोलो और क्रोसिन, पेरीमोल हैं। तो पैरासीटामोल की जो प्रिपरेशन है वो ड्रॉप फॉर्म में होती है, ड्रॉप में भी आती है, सिरप फॉर्म में, सिरप में आती है, टैबलेट की फॉर्म में भी आती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ये आती है। तो देखिए, जो ड्रॉप फॉर्म है वो 125 mg पर 5/1 ml से शुरू होती है, और जो सिरप, इसकी जो फॉर्म आती है सिरप की, वो 125 mg पर 5 ml या 250 mg पर 5 ml DS फॉर्म में आती है। इसमें एक काफ़ी जो सिरप है उसमें काफ़ी फेमस आता है ये मैप्टाजेसिक DS, जिसमें जो पैरासीटामोल 250 mg/5 ml DS फॉर्म में पाया जाता है। अब ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है, पैरासीटामोल 500 mg और पैरासीटामोल 650 mg। अब इसके ब्रांड के रूप में अगर इसको देखें तो डोलो 500 mg या डोलो 650 mg। जब पीछे कोविड चला था 2020 और 21 में, तो सभी व्यक्तियों ने अवश्य डोलो 650 के बारे में सुना होगा। डोलो 650 क्या है, पैरासीटामोल 650 होती है उसके अंदर। अब इसके यूज ऑफ पैरासीटामोल हम जानेंगे। तो देखिए, जो यूज ऑफ पैरासीटामोल हैं, तो सामान्यतः ये तो सबको पता है कि ये बुखार में भी काम करती है, पर ये दर्द में भी काम करती है, यानी कि ये फीवर और दर्द दोनों में काम करती है। ऑल टाइप के दर्द में काम करती है, चाहे सर दर्द हो, चाहे बदन दर्द हो, चाहे हाथ पैरों में दर्द हो। बुखार, देखिए बुखार को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बुखार को 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 फारेनहाइट से ऊपर के टेम्परेचर को बुखार बोला जाता है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 फारेनहाइट के ऊपर की रेंज को, के टेम्परेचर को बुखार बोला जाता है। यानी कि आप इस चीज़ को बुखार कह सकते हैं, किसी व्यक्ति का 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 फारेनहाइट से ऊपर का टेम्परेचर है तो उसको बुखार डिफाइन करेंगे। यदि इससे नीचे का टेम्परेचर है या यही टेम्परेचर है तो उसको बुखार नहीं कहेंगे। अब पैरासीटामोल की डोज जान लेते हैं। तो एडल्ट में जो मैक्सिमम डोज है, यानी कि जो वयस्क में मैक्सिमम जो डोज है वो 4000 mg पर डे, यानी कि 4000 mg तक एक एडल्ट व्यक्ति 24 घंटे में इसकी डोज ले सकता है। 4 से 6 भाग में ये डोज लेनी है, एक साथ ये नहीं लेनी है। जनरल वे में या फीवर में बात कहें तो 500 mg की टैबलेट जो है सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार ले सकते हैं। और सामान्य बुखार में 500 mg डॉक्टर इंस्टेंट खाने के बाद आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, यानी कि सामान्य बुखार में आप 500 mg तुरंत खा सकते हैं, फिर डॉक्टर्स को दिखाएं। अब चाइल्ड डोज की बात करें तो देखिए, जो पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन होता है वो उसके बच्चे के जो है हाइट और वेट से होता है, यानी कि वजन और वेट के अनुसार होता है या हाइट के अनुसार होता है। तो वेट के अनुसार जो है 10 से 15 mg पर वेट इसकी डोज होती है। और चाइल्ड फीवर में क्या है, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 101 फारेनहाइट WHO के अनुसार क्या है, बताया गया है कि 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 101 फारेनहाइट से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो चाइल्ड में बुखार होता है। अब इसकी डोज हम बता चुके हैं, अब ओवरडोज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, पैरासीटामोल की ओवरडोज से क्या होता है, नोजिया हो सकती है, उल्टी जैसा आपको हो सकता है, जी मिचला सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मरोड़ें आपको हो सकती हैं और पसीना आपको आ जा सकता है, थोड़ी कमजोरी हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं या स्किन पे लाल लाल दाने हो सकते हैं। यदि आपको ये ओवरडोज के कारण कोई समस्या आती है, ये जो हमने बताई सब समस्याएं होती हैं, तो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब पैरासीटामोल को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, बिल्कुल अवश्य डॉक्टर दिलवाते हैं, इसको दे सकते हैं।
ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको भी पैरासीटामोल दे सकते हैं, सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने जाना प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती हैं, यानी कि जो महिलाएँ प्रेगनेंट हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल ले सकती हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल ले सकती है। तो आज हमने जाना पैरासीटामोल के बारे में। बुखार के साथ साथ ये दर्द में भी काम करती है, और हम आपको जैसा कि पहले बता चुके हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 फारेनहाइट से ऊपर का टेम्परेचर जो होता है वो बुखार कहलाता है। तो साथियों, आशा करता हूँ पैरासीटामोल से संबंधित जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को तुरंत शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।